सोचते हैं कि साइंस बहुत टफ है, 96 स्कोर करना तो सिर्फ टॉपर का ही काम है, पर आप भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गए, एमसीक्यू ज्यादा मिल रहे हैं, बस थोड़ी ट्रिक और थोड़ी मेहनत फिर 96 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए पहले एक नजर डालते हैं क्वेश्चन शीट पर। तो देखिए 20 एमसीक्यू रहेंगे 32 मार्क्स के, ओके 1 से 16 तक का 16 मार्क्स का, 17 से 20 चार क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे यानी कि 16, तो 16 16 32, ओके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी 15 मार्क्स, ओके जिसमें एक कोई डायग्राम जरूर रहेगा, ओके 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन जो कि टोटल 21 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन जो कि टोटल 12 मार्क्स, इन सभी को करते हैं टोटल तो आपका 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन शीट बन जाता है। अब स्ट्रेटेजी क्या होगी पढ़ने की, तो नंबर 1 दो मार्क्स वाले क्वेश्चन 1 से 2 लाइन के हैं जो कि आप आसानी से इजी कर सकते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव के लिए बुक में जो दिए हैं उसे आपको पढ़ने, एनसीईआरटी से निकालने और गूगल पर भी आपको मिल जाएंगे, ये बहुत ही जरूरी है एमसीक्यू क्योंकि ये 32 मार्क्स आपको दे करके जाएगा अगर सही सही आप कर लेते हैं सबको तो, ओके नंबर 3 अब 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बचे हैं तो अब सबको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको वीडियोस क्वेश्चन को निकालने प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर से, क्वेश्चन बैंक से और एनसीईआरटी से, ओके नंबर 4 सभी क्वेश्चन को समझ कर पढ़े और शॉर्ट्स में लिखते चले जाए ताकि भूले नहीं और कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे इससे, ओके नंबर 5 डायग्राम तो जरूर करें 2 से 3 क्योंकि ये फ्री का 5 मार्क्स दे करके जाएगा, थोड़ी मेहनत और 5 मार्क्स, ओके नंबर 6 एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स 10 डेज, लास्ट 10 डेज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सैंपल पेपर सॉल्व करें 2 3 4, ओके इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा इससे और जो छूट जाएगा उससे आप कवर भी करते चले जाएंगे। एंड रिवीजन एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है, रिवीजन आपको हर एक दिन करना है चाहे याद हो चाहे याद नहीं हो, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ योर सक्सेस, ओके तो इन सभी टिप्स को फॉलो करें, यूज करें, प्रैक्टिस करें और फिर आप 96 स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सो ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जाम।